हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। तो आज हम लेके आए हैं पालक से दो नई रेसिपी। ये टेस्टी और साथ ही हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं एक गिलास पानी। और यहाँ पे हमने ली है पालक, तो यहाँ पे हमने ढेर सारा पालक लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिए हैं। और यहाँ पे हमने धनिया भी लिए हैं, इसमें ना धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा, तो धनिया ज़रूर डाल लीजिएगा। और हमने यहाँ पे पालक भी डाल लिए हैं। अब इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये देखिए पालक ना काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और पालक को ना हम छान के कोई सा भी छन्नी में, छेद वाली बर्तन में निकाल के रख लेते हैं, ताकि जो भी पालक में एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाए। तो हम यहाँ पे दबा दबा के इसको, जो इसमें पानी है ना पालक में, उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसको हमें पीस लेना है और इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। सारे चीज़ को हमने यहाँ पे डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हम लिए हैं बेसन, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आपको यहाँ पे एक कटोरी से ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम में भी बन सकते हैं, वो है कि आप पालक कितना लिए हैं उसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करते हुए बेसन डालेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो यानी कि तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमें एकदम जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। हमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डो तैयार कर लिए हैं। हथेलियों को सफाई कर लेंगे। अब इसे हमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेना है। जैसे कि हम पूरी बनाते हैं हमें उतना उतना ही लोई चाहिए। अब इस लोई को ना अच्छे से चिकना कर लेते हैं और इसमें हम बेसन लपेट लेंगे। और इसका हमें ना एकदम रोटी की तरह बेल लेना है, पतला सी। तो यहाँ पे पूरी के बराबर में ये होगा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से बेल के ना तैयार कर लिए हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें इस तरीके से रोल बना लेते हैं। साइड में पानी लगा लीजिएगा ताकि ये साइड वाला पार्ट ना फूले ना, चिपके रहे। अब इसको ना इस तरीके से हम हल्का हल्का इस तरीके से कर लेंगे ना, तो अच्छे से चिपक जाएगी। अब यहाँ पे हमने सारे रोल बना के ना तैयार कर लिए इसी तरीके से। चलिए गैस के तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। इसमें हम सारे जो रोल बना के तैयार किए हैं ना, रोल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं पालक और धनिया, साथ ही बेसन, तीनों चीज़ मिला के गट्टे बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे ना अजवाइन भी डाल लीजिएगा। तो हमारे पास अजवाइन नहीं था, सॉरी हम भूल गए आपको कहना भी। जब आप आटा गूंदने लगेगा ना तो इसमें अजवाइन डाल लीजिएगा। इसको हमें 4 से 5 मिनट पका लेना है। अब निकाल लेते हैं छान के। ठंडा करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे आप दो रेसिपी आपको बताएंगे, दोनों रेसिपी ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे हम पैन में 1 छोटी चम्मच करीब तेल डाल दिए हैं। गरम हो जाए जीरा डाल देंगे, सरसों डाल देंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल भी डाल देते हैं। और 2 यहाँ पे हमने तीखी वाली मिर्ची ली है। इनको हम अच्छे से भून लेंगे, चटक जाए ना अरे चीज़। यहाँ पे हमें करी पत्ता लेनी है 8 से 10। करी पत्ते को हमें भून लेना है। अब यहाँ पे हमने जो तैयार किए हैं ना रोल, इसमें हम आधे रोल डाल देंगे। अब इसको हम 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पे नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रोल में है ना नमक डाल रखे हैं। तो बस हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और ये जो है ना हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी सी चाट मसाला डाल लीजिएगा। आप चाहे तो टमाटर केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। बच्चे को भी खिलाए, आप भी खाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब चलिए हम अगला तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम बनेंगे इसकी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल, इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच से जीरा, 1 चुटकी हींग। आप यहाँ पे चाहे तो कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जीरा अच्छे से चटक जाए तो यहाँ पे हमें 1 बारीक कटी हुई प्याज लिए हैं।
प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट करके भून लेना है। प्याज को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं। यहाँ पे हम हरी मिर्च का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लाल मिर्च का पाउडर कम ही लेंगे। अब इन सारे चीज़ को हल्का सा भून लेते हैं। दो पीसी हुई टमाटर लिए हैं, तो यहाँ पे आप टमाटर को पीस के ही डालिएगा। अगर आप यहाँ पे टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है। 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए मसाले का भी बहुत ही कम यूज किए हैं और तेल का भी हम बहुत ही कम यूज किए हैं। यहाँ पे सारे चीज़ को हम अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। बहुत ही अच्छा इससे खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पानी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम छोटी गिलास 1 गिलास पानी डाल दिए। इसको मिक्स कर लेते हैं और जो हमने इसमें रोल्स बॉयल किए थे ना रोल्स, वो वाला पानी डाल देते हैं। और हमारे पास जो पालक का पानी था ना वो हमारे बच्चे पी गए, तो आपके पास जो पालक का पानी है और रोल जो हमने बॉयल किए थे दोनों पानी मिला के इसमें डाल लीजिएगा। वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पालक के पानी में ही विटामिन रहते हैं। तो पालक का पानी बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, या तो पी लीजिएगा या तो सब्जी में यूज कर लीजिएगा। पानी डालने के बाद एक बॉयल आ जाए इसमें हम डाल देंगे रोल। अब इसको हम ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ना सब्जी बन के यहाँ पे तैयार हो गए। अलग तरीके से बेसन की सब्जी बना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इसको ना बड़े बच्चे सभी मज़े से खाएंगे। साथ ही हरा धनिया भी डाल लेते हैं बहुत ढेर सारा। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी गरम मसाला और यूज कर सकते हैं। अब इनको ना मिक्स कर लीजिए अच्छे से। गैस को बंद कर देंगे, तैयार है, सर्व कर लीजिए। ये सब्जी ना आप पूरी, पराठे, चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।